हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हे गाइस, आज है डे टू। तो आज मैं करने जा रही हूँ माइक्रोवेव को यूज़। और कल रात मैंने इसका स्टैंड बना लिया था, शायद मैंने आपको दिखाया नहीं है इस वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में आपको वो भी दिखा दूँगी कि मैंने माइक्रोवेव के लिए एक टेम्परेरी स्टैंड बनाया है, टेम्परेरी ही बनाया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। और अभी हो रही है सुबह, तो मैंने अपना फेस वगैरह वॉश कर लिया है। तो अब मैं पीऊँगी पानी, तो उसके लिए मैं पानी आज मैं माइक्रोवेव में ही गर्म करूँगी। तो गाइस, उसके लिए ले लिया मैंने ये पानी और अब हम इसको गर्म करेंगे माइक्रोवेव में। ये है एक टेम्परेरी माइक्रोवेव स्टैंड एंड ये हो गया हमारा माइक्रोवेव ऑन एंड इसमें मैं रखूँगी विद इन 30 सेकेंड में गाइस हमारा माइक्रोवेव में पानी रेडी। तो गाइस, यहाँ पे मिल चुका है हमें अपना गरम गरम पानी। 30 सेकेंड में गाइस इतना अच्छा पानी रेडी हो गया गरम। और इसके लिए हम जो कोई गैस नहीं चलाया, कोई बर्तन नहीं यूज़ किया, टाइम सेविंग प्रोडक्ट। तो यह है टाइम सेविंग गाइस। तो गाइस, अभी लगी थी मुझे भूख और ये भी ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों का ही टाइम था। तो अगर आप भी मेरी तरह सैंडविच खाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप भी ऐसे रेडी कर सकते हो। इसमें मैंने कुछ वेजेस, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, टमाटर, जो भी आपकी मर्जी वो सब्जी आप ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने कुकम्बर, खीरा भी ऐड किया है और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ मैं अभी इसके अंदर। और इसके साथ ही आप इसमें चाहो तो ये मैं यहाँ पे सब्जियाँ डाल रही हूँ ऊपर से, इसमें चाहो तो आप वेजीज ऑयल भी आप ऐड कर सकते हो और आप चाहो उसमें हल्का नमक भी डाल सकते हो। और अभी मैं इनको मिक्स कर लूँगी प्रॉपरली वेजी ऑयल डाल के। ये मैंने मिक्स कर लिया है इसको और मैं इसको हल्का सा कुक करूँगी माइक्रोवेव के अंदर। तो गाइज़, मेरा सैलड रेडी हो गया और मैं इसको अभी खाने जा रही हूँ। और गाइज़, इसका जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और मैं आपको दिखा भी रही हूँ करके कि नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज़, इसका टेस्ट रियलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है अगर आप इकट्ठी वेजेस खाओ। अगर उसको हल्का सा कुक कर लो, क्योंकि ये कुक हम अगर किसी बर्तन में करने जाएंगे तो वो क्रंच नहीं रहता वेजेस में, बट माइक्रोवेव में वो क्रंच हमेशा ही रहेगा अगर आप उसको हल्का सा गर्म कर लेते हो। क्योंकि मैंने इसमें वेजी ऑयल ऐड किया था इसलिए मैंने इसको हल्का कुक किया था, वरना अगर आप विदाउट कुक भी इसको करते हो तो भी आप इसको आराम से खा सकते हो और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा दूध बचा था फ्रिज के अंदर। एक्चुअली में होता क्या है कि घर में हमारे कई बार ऐसा होता है कि हम जब दूध लेके आते हैं किसी भी बर्तन में लेके आते रखते हैं या फिर जैसे मैं पैकेट में दूध लेती हूँ तो बहुत थोड़ा सा दूध बच जाता है। जिस दूध का ना कोई यूज़ होता है, अगर उसको बिना गर्म कर रखा हो तो वो ख़राब हो जाता है और उसका हम उसको गर्म करें तो हमारा पूरा बर्तन वगैरह मैस होगा। तो इतने से दूध को कोई गर्म नहीं करना चाहता, बट माइक्रोवेव में ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है कि आप किसी भी छोटे से छोटे बर्तन में डाल के वो दूध इजीली गर्म कर सकते हो और उसी बर्तन में उसको रख भी सकते हो आप। जैसे कि मेरे पास ये थोड़ा सा दूध बचा था, मैंने इस कप में डाल के मैं इसको गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अगर इतने से दूध को मैं गर्म करने जाऊँगी तो मेरा किचन में बहुत सारा काम बढ़ जाएगा मेरे लिए। इतना बड़ा बर्तन मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, फिर मेरे को उसको धोना पड़ेगा, गैस वगैरह सब कुछ, बट माइक्रोवेव में ये चीज़ विद इन 30 सेकेंड हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है माइक्रोवेव का।
तो गाइज ये मेरा दूध है वो गर्म हो चुका है और अब बस मैं इसको इजीली थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन से ढक के रख सकती हूँ और उसके बाद मैं इसको इजीली फ्रिज में रख सकती हूँ। सुबह मैं इसको यूज़ भी कर सकती हूँ, सुबह शाम जब भी आप इसको यूज़ करना चाहो आप इसको कर सकते हो। और अगर आप इसी तरह चाय गर्म अगर ठंडी हो जाए आपकी तो इस तरह आप ऑन द स्पॉट 30 सेकेंड में चाय ठंडी चाय को गर्म कर सकते हो। और आप चाहो तो इस दूध को रात को नाइट टाइम पीते टाइम भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे मैं ले रही हूँ सुबह की सब्ज़ी और दिन के चावल, क्योंकि घर में दाल बनी थी तो इसलिए मुझे दाल नहीं खानी थी। और ये पूरी अभी बनी है बट फिर भी ये ठंडी हो चुकी है 1-1.5 घंटे के अंदर। तो आप चाहो तो इजीली अपनी प्लेट के अंदर खाना डाल के आप उसको सिर्फ विद इन 1 मिनट के लिए अगर आप माइक्रोवेव करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा बर्तन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है गर्म करने के लिए, क्योंकि गैस पर अगर इतनी चीज़ों को गर्म करने के लिए जाएंगे एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, दूसरा बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तीसरा मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है तो हमें क्या होता है कई बार वो ठंडा ही खाना पड़ता है। बट ये है मेरा इंटू जो यहाँ बैठा हुआ है जो वेट कर रहा है कि मुझे भी कुछ गर्मा गर्म मिलेगा। तो गाइस ये देखिए आप यहाँ पे जो स्टीम है वो माइक्रोवेव में दिख रही है, क्योंकि माइक्रोवेव में जो पिक है वो क्लीन नहीं दिख रही, क्योंकि जब हम कुछ खाना गर्म करते हैं तो उसकी स्टीम उठती है। और 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा पूरा जो खाना है वो गर्म हो चुका है और गाइस ये काफ़ी हद तक गर्म होता है, काफ़ी अच्छा गर्म होता है। तो माइक्रोवेव अगर गाँव किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए बात की जाए तो सबसे बेस्ट है, कुक करने के लिए तो है ही बट गर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसके लिए मैंने इसको लिया कि मुझे ठंडा खाना खाना ना पड़े और मुझे बार बार गैस से प्रॉब्लम ना, क्योंकि मैं कई बार क्या होता है गैस पे गर्म करने की वजह से मैं खाना गर्म ही नहीं करती, मैं ठंडा ही खा लेती थी। तो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम और मेरा कुछ स्नैक्स खाने के लिए दिल कर रहा है तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ गाइस सैंडविचेस के लिए मैंने मक्खन वगैरह गर्म कर लिया है और मैंने यहाँ पे सैंडविच रेडी कर लिया है। तो अभी वेजेस वगैरह इसमें कोई ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती गाइस, ये आप ऐसे भी खा सकते हो। बट अगर आप इसको हल्का सा गर्म कर लो गाइस तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। बट ये चीज़ें अगर हम गैस पर गर्म करते हैं गाइस तो ये या तो ये जल जाती है या फिर ये जो सैंडविच की सॉफ्टनेस होती है वो कभी भी नहीं रहती। तो आप इसको चाहो तो आप इसको भी माइक्रोवेव में इजीली 30 सेकंड के लिए अगर आप इसको कुक करते हो तो ये इजीली रेडी हो जाएगा, खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, हल्का सा वार्मनेस क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है तो ठंडा सैंडविच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो गाइस विद इन 30 सेकेंड हमारा जो सैंडविच है वो रेडी हो गया है, अब आप इसको खा सकते हो आराम से इजीली। तो गाइस नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है घर में वो होती है कि हमारी जो रोटी होती है कई बार वो ठंडी होती है या फिर वो अगर हमारे कई घर में कोई गेस्ट आया होता है तो वो क्या होता है कि जिस टाइम हम खाना बना रहे होते उस टाइम वो खाना नहीं खाते और धीरे धीरे वो बाद में वो खाना वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हम अगर एक एक रोटी गर्म करने जाएंगे तो जब तक हम अगली रोटियां 5-6 गर्म करते हैं पिछली रोटी फिर से ठंडी हो जाती है। बट माइक्रोवेव में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक्रोवेव के अंदर आप 10-15 रोटियां आराम से 1 मिनट के अंदर अंदर गर्म कर सकते हो। तो गाइस मैं आपको यहां पे अपनी गर्म की हुई रोटियां दिखा रही हूं, आप देख सकते हो कि अच्छे से अंदर तक गर्म हुई हैं। अब ले करो गाइस।